हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारा पिकनिक का, हमारे मीन्स मेरे और मेरे स्टूडेंट्स का। सब लोग पिकनिक जा रहे थे तो हमने भी सोचा कि हम भी चले जाते हैं। और ये पिकनिक हुआ था जनवरी 13 को और आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ जो कि है फरवरी 3 को। सो आप समझ ही सकते हैं कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, क्या बताऊँ। सो ये था हमारा जुगाड़ू पिकनिक, क्योंकि हमने बहुत ही कम पैसों में इसका जुगाड़ किया था। तो ये है सारा सामान और हमने अपना ऑटो मतलब बुला लिया था। एक ऑटो पहले आया जिसमें हम लोग थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे और मैं थी, जिसमें कुछ कुछ सामान हम लेके चल पड़े। बिल्कुल घर के पास ही है, मेरे घर के 2 किलोमीटर के अंदर ये जगह पड़ता है चन्नतपुर स्टेशन के सामने। तो हमने यहीं पर हमने सोचा कि हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे तो बहुत कुछ पेरेंट्स ने तो बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया। तो हम कुछ ही स्टूडेंट्स और कुछ ही पेरेंट्स और मैं हम जा रहे थे। तो एक्चुअली सारा सामान लेके मैं पहले ऑटो में चढ़ी और हम वहाँ उतरे जहाँ पे हमने सोचा कि हम यहाँ खाएंगे। एक्चुअली ये प्लेस भी मुझे इतना खास पता नहीं था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा तो उसने बताया कि हाँ पास में एक ठीक ठाक जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भी मिल जाएगा, वहाँ चले जाएँ। सो सब बच्चों के आते आते और उनके पेरेंट्स के आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, हम निकले भी काफ़ी लेट से थे। आते आते शायद 9:40 या 9:50 हो रहा होगा शायद, मुझे याद तो है नहीं ठीक से, बट पहुँचते फिर मुझे वापस जाना पड़ा क्योंकि कुछ सामान था जो रह गया था। तो मुझे उसी ऑटो पर जिस पर मैं आई थी फर्स्ट में, उसी ऑटो पर मुझे वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे पापा की स्कूटी से वापस आना पड़ा क्योंकि जगह ढूंढते ढूंढते मैं गिर गई थी, तो मेरे जीन्स और मेरे बूट्स ख़राब हो गए थे। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको धोया, फिर मैं पापा की स्कूटी से वापस पिकनिक स्पॉट चल पड़ी। तो ये हूँ मैं अपना थोबड़ा दिखाते हुए। तो जैसे ही मैं स्पॉट मतलब पिकनिक स्पॉट में पहुँची तो मैंने देखा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स और बच्चे अभी भी नहीं आए हैं। तो फिर मैं अपना फेवरेट काम कर रही थी, यहाँ चढ़ना, ये जगह मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर तो हमने क्या डिसाइड किया कि जो जो पेरेंट्स और बच्चे पहुंच चुके हैं वो लोग क्या करेंगे, जो ब्रेकफास्ट का सामान लाए हैं, अंडा और जो बॉयल करके हम लाए थे, अंडा, ब्रेड, बटर, वो सब हम निकाल के, कॉफ़ी भी लाया था। तो हमने सोचा कि चलो हम खाना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो पता नहीं उनकी तो खुशी कुछ नेक्स्ट लेवल की थी, इन्होंने कुछ खाया कि नहीं पता नहीं, बहुत खुश थे ये लोग। तो हम पहुँचे, जगह बहुत अच्छी थी, हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है, बहुत मतलब ठीक ठाक जगह है, हो जाएगा काम अपना। तो फिर हमने सब कुछ तो अरेंज कर लिया, बट पेरेंट्स और मेरे दिमाग में भी एक चीज़ नहीं आया, जो आप बताइएगा क्या नहीं आया, आप जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो बताइएगा क्या हमने गलती की। बहुत ज़्यादा धूप थी, ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे कि वो लोग कब आएंगे, और धीरे धीरे हम जो सामान लाए थे ब्रेकफास्ट के लिए, सो साथ में चिप्स भी था और कुरकुरे भी थे। तो बच्चों को मैंने चॉइस दी कि आप लोग क्या खाओगे, तो ये कहने लगे कि मुझे कुरकुरे खाना है, मुझे कुरकुरे खाना है, ये आपस में लड़ने लगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कुरकुरे वैसे बहुत कम था तो मैंने कहा कि कुरकुरे से 4-5 लोग बांट लो, और चिप्स बहुत सारा था तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक एक चिप्स ले लो, चिप्स खा लेना। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि हम ऑर्गेनाइज़र जो पेरेंट्स और हम थे तो हमें कुछ नहीं मिला चिप्स वगैरह, कोई बात नहीं चलता है, इन लोग ये लोग खा ले बहुत ही हैं। तो लास्ट में मगर मुझे, हाँ, बच्चों ने मुझे दे दिया था 4-5 चिप्स, तो ये मैं बहुत लकी हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, वैसे भी बहुत लेट हो गया था और कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए थे, वो आ रहे थे, लेट हो गया था काफ़ी उनका। तो हम चले गए धोने के लिए चिकन जो हमने लाया था, मैं और मेरी एक स्टूडेंट चले गए। तो बिल्कुल पास में ही, बिल्कुल जहाँ हम खा रहे थे उसी के पास में, बिल्कुल एक छोटा सा, पता नहीं क्या कहेंगे, नाला कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो हमारा काम चल गया था, साफ़ पानी था। तो हमने वहाँ से फिर चिकन धोना शुरू किया। मैंने अपने हाथ में एक लेफ़्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ था और राइट हैंड से मैंने सोचा कि चलो इसको मैं निकाल लूँ ऐसे, फिर मैं धोने लग जाऊँ। बट यहाँ धोना, एक्चुअली मैंने सोचा कि यहाँ गंदा हो जाएगा, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इसको बिल्कुल बगल में एक थोड़े से साइड में जाके इसको धो लिया जाए। तो मैं चिकन धोने के लिए पानी ले ही रही थी तो मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट आके मुझसे पूछती है कि मैडम आपका क्या चैनल है क्या यूट्यूब में? तो मैंने कहा कि हाँ है, इसीलिए तो मैं वीडियो ले रही हूँ। तो बहुत खुश हो गई है। तो फिर मैंने बाल्टी में पानी लेना शुरू ही किया था तो मेरा स्टूडेंट है, उसकी मदर आके मुझसे पूछती है कि चलो मैं ही धो देती हूँ क्या? तो मैंने कहा कि नहीं मैं धो दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप वीडियो ले रहे हो तो ले लो, मैं वीडियो धो देती हूँ चिकन। तो उन्होंने धो दिया चिकन। फिर उसके बाद हमने जो राइस लाया था घर से, तो उसको जो घर से मतलब एक पेरेंट है उन्होंने लाया था घर का चावल, पर जो चावल है उसके साथ ये हो गया कि कुछ पेरेंट्स ने मना कर दिया ये खाने से क्योंकि उनको पसंद नहीं था। तो वो लोग वापस गए चन्नतपुर स्टेशन, बिल्कुल बगल में ही हमारे स्पॉट के, उसी स्टेशन के वहाँ बाज़ार पड़ता है, तो वहाँ से वो राइस लेकर, चावल लेकर आए। तो
तो ये है हमारा सेटअप, बिल्कुल खाने का सेटअप, पकाने का, सॉरी खाने का नहीं, पकाने का सेटअप। तो मैं खाने के सेटअप को देख ही रही थी तो पीछे मैंने देखा कि बच्चे फाइट करने लगे हैं। उसका कारण था कि जो मेरे बड़े स्टूडेंट हैं वो लोग कुछ अलग गाना सुनना चाहते थे और छोटे लोग कुछ और। छोटे लोग कह रहे थे कि कुछ डांस का वाला गाना चलाओ, और बड़ी जो दीदी लोग हैं ये सुन रहे थे पता नहीं कुछ बोरिंग सा। बच्चे मुझे शिकायत कर रहे थे कि ऐसे गाने सुन रहे, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार तुम चलो। छोटे छोटे बच्चों को मैं लेके गई और वहीं जहाँ पे हमने चिकन वगैरह धोया था उसी छोटे से मतलब स्ट्रीम भी क्या कहेंगे, हाँ वही हम क्या करने लगे, एक छोटा सा स्पीकर लेके हम नाचने लगे। तो आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा गाना चल रहा है, गैस करके बताइएगा, ठीक है। तो ये लोग वही स्टेप कर रहे थे जो जो उसमें होती है, बट शर्मा भी रहे थे कि हाँ कैसे करें डांस, क्योंकि पेरेंट्स भी खड़े थे तो लोग भी थे, बच्चे शर्मा रहे थे। तो तभी पेरेंट्स एक आई और उन्होंने नाचना शुरू किया तो बच्चे भी नाचने लग गए फिर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत मस्ती की, इनसे इनके मस्ती को देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं खुद भी पता नहीं क्यों मेरे में भी कुछ वही बच्चे वाली फीलिंग है अभी भी। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था पानी पर, पानी में खेलने में, और इनको भी मैं कह रही थी कि आप भी नाचो, पर ये नहीं नाचे, ये काम में बिजी थे। और उसके बाद मैं वापस गई और मैंने मेरे लिए जो कॉफ़ी रखी हुई थी ठंडी हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने वो कॉफ़ी पी। मुझे मतलब पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, मैं बस बच्चों के पीछे इधर उधर भाग रही थी और बस मस्ती कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर ये जो आइटम यहाँ पे बन रहा है, ये मतलब आइटम नंबर पता नहीं कौन सा, इसको बोलते हैं मिमी सिंजू, हम यहाँ लोकल में मिमी सिंजू इसको कहते हैं। ये एक्चुअली मिमी से बनता है, इसमें कुछ वेजीज़ वगैरह डाली जाती है, पर ये मिमी सिंजू से ज़्यादा मुझे गाय को चढ़ाने वाला चारा लग रहा था, क्योंकि इतना मोटा मोटा प्याज काटा और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट टेस्ट तो था, इतना ख़राब भी नहीं था। इसके बाद मैं अपने कुछ बच्चों को लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ी। मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है और थोड़ा ज़्यादा पानी है क्या, चलो देखते हैं हम चलते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है मेरी तरह, तो हम भी निकल पड़े देखने के लिए, और पेरेंट्स वहाँ चिंता कर रहे थे उनको पता ही नहीं था हम कहाँ चले गए थे। तो हम यहाँ बिल्कुल पास में ही जाने लगे, तो देखा हमने कि पता नहीं कहाँ से ये लोग पानी लेके आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो हम ढूंढ रहे थे पर नहीं मिला। फिर क्या करें, हम जाने के बाद मैंने क्या कहा बच्चों से कि नहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा धूप भी है और क्या पता कुछ मतलब कुछ तो नहीं है, वैसे फिर भी एक डर रहता है कि चलो बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि चलो चलो वापस चलते हैं, तो ये लोग जा ही नहीं रहे थे, बट जैसे तैसे करके इनको फिर मैंने कहा कि चलो वापस चलते हैं, तो हम वापस उसी जगह हम चले गए पिकनिक स्पॉट में। फिर जाने के बाद इनको देखिए, ये मतलब इनका तो अलग ही कुछ मतलब चलता है दिमाग में, तो ये फिर पानी से फिर बालू वालू लेकर फिर ये वो खेलने लगे, घर बनाने लगे, पता नहीं क्या बना रहे थे। फिर उसके बाद हमने जो मिमी सिंजू बनाई थी, इसको मिमी सिंजू कहते हैं हमारे मणिपुरी में, तो हमने इसको खाया। फिर मैं बन गई थोड़ी देर के बाद कोच, क्योंकि ये लोग कबड्डी खेलने वाले थे, लड़की जो ग्रुप है उसकी लीडर थी हमारी एक स्टूडेंट, और बॉयज़ के ग्रुप के बहुत सारे ये प्लेयर्स हो गए थे, तो आपस में लड़ने लगे कि मैं इसके टीम में नहीं जाऊंगी, मैं इसके टीम में नहीं जाऊंगी, मैं उसके टीम में नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा कि अरे भाई खेल लो कोई बात नहीं। फिर ये मुझे कुछ और ही कहने लगा कि इसकी बेल्ट खुल गई। तो अब ये छोटी सी एक बच्ची थी जो मेरी एक स्टूडेंट की बहन थी, वो भी आई थी, बहुत प्यारी सी थी। अब देखिए हमारा जो मेन जो हमारा जो होता है ना खाना वाला पार्ट, वो मतलब लगभग बन चुका था, लगभग भी नहीं 50% ही कह सकते हैं, पता नहीं 40% भी कहेंगे, हो गया था, पक रहा था। और आज की हमारी कुक थी हमारी एक स्टूडेंट की मम्मी जी मतलब कुक मतलब क्यों कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही सारा कुछ पकाया वकाया था और सब तो हेल्पर थे, बट मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों के पीछे ही लगी हुई थी। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा बिल्कुल लोकल वोकल वाला जो स्पॉट है, और सबने पिक्चर्स ली, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, पर मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने एक भी अपनी एक बच्चों के साथ ठीक से फ़ोटो नहीं ली उस दिन की, बहुत अफसोस हुआ मुझे बाद में। और अब देखिए हमारे टैलेंटेड बच्चे का डांस, ये जो बच्ची है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहें मेरी तरह ही है, ये आप बता सकते हैं ना कि ये कौन से गाने पर डांस कर रही होगी। अब हो गया हमारा फाइनली चिकन तैयार, बिल्कुल बहुत ही देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। फिर
हमने क्या किया कि ये पक हमारा जो राइस है वो थोड़ा बचा हुआ था वो बनना रह गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि कि राइस जो था वो चेंज करना पड़ा हमें, हमने फिर मार्केट से लाया था, तो हम राइस बनाने में हमें काफ़ी लेट हो गया और एक चूल्हा ही था हमने जो तैयार किया था। और अब आप शायद बता सकते हैं कि हमने क्या गलती की थी कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हमने जो पॉलीटार्प टेंट था वो हमने नीचे बिछाए रखा और बच्चे उसी में खेल रहे थे। इतनी धूप थी और हमें भी लग रहा था कि कहीं छांव मिल जाता तो हम भी बैठ के वहाँ काम कर लेते। फाइनली क्या हुआ कि हम जब खाने वाले थे खाना, तो उसके पहले ही 10 मिनट पहले, शायद 15 मिनट पहले, 2-3 लड़के आए, उन्होंने हेल्प कर दी हमें उसे ऊपर उठाने में, और तब जाके हम कहीं छांव में बैठ के खा पाए। हमने जो खाना बाहर चढ़ाया था वो गाय बाबा ने खा लिया। उसके बाद मैंने अपनी थाली निकाली, उसमें मैंने खाना रखा जो भी था, जो सलाद वगैरह थे सब मैंने रखे, और साथ में जो पनीर आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो वो एक पेरेंट अपने लिए लाई थी क्योंकि वो चिकन नहीं खाती, फिर भी उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा दिया टेस्ट करने के लिए, कहाँ के टेस्ट करके देखो। तो ये है मेरी थाली जिसमें मैंने चावल ज़्यादा ले लिया था, मैं इतना खा नहीं पाई थी, थोड़ा सा रह गया था, और मैंने अपनी जो कड़ी है मैंने अपनी कटोरी में ऐसे ले ली थी और सजा के रखी ताकि मैं फ़ोटो वोटो ले सकूँ अच्छे से। फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों के खाने के बाद हम खा लेंगे। तो मैंने फिर खाने से पहले सबसे मैंने सब बच्चों से पूछा मैंने कि कैसा रहा सब कुछ, तो वो बड़ी खुशी से बोले कि बहुत अच्छा, तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था, स्पाइसी भी कम था, तो और लास्ट में उन्होंने कुछ मिठाइयाँ भी खाई। उसके बाद हम सब पेरेंट्स और मैं बैठकर हमने खाना वाना खा लिया। काफ़ी देर हो चुकी थी, हमें बर्तन वगैरह भी धोने थे, उसके बाद ही हम फटाफट से हमने बर्तन वगैरह धो दिए, और उसी बीच में हमें पता चला कि हमने जो सोप लाया था वो हमारे गाय बाबा जी खा गए सारा। उसके बाद जो भी हमारे पास रह गया सर्फ वगैरह, तो हमने उससे धो दिए बर्तन। उसके बाद लास्ट में ये जो टेंट हमें निकालना था इसका काम रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लूँ क्योंकि सब लोग बिजी थे, और मैंने जैसे तैसे करके इसको जुगाड़ उगाड़ करके इसकी लकड़ी वकड़ी सब निकाल कर मैंने रख दी इसको साइड में। हमारा खाना वाना सब कुछ ख़त्म हो चुका था, हम लोग सब पैक कर चुके थे सामान, और कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे बच्चे, और कुछ पेरेंट्स निकल चुके थे गेट की तरफ। मैं रह गई थी, मैं देख रही थी कि कुछ सामान छूट ना जाए, तो मैं बार बार देख रही थी कुछ रह गया हो कुछ रह गया हो, कुछ नहीं रहा, और मैं बस 1-2 मिनट यहाँ अकेले रहना चाहती थी, बस देख रही थी यहाँ वहाँ देख के। फिर मैंने देखा कि बस लकड़ी रह गई है, तो ये मुझे उठाकर लेके जाना था वहाँ। तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, हमारा प्यारा सा छोटा सा पिकनिक। और अभी एक एक करके ऑटो आ रहा था और बच्चों को और सामान को लेकर जा रहा था। अब ये मुझे कह रहे थे कि आप टेंट क्यों नहीं लेकर आई, तो मैंने कहा कि मेरे हाथ में जगह नहीं थी, तो सब लोग बच्चे वेट कर रहे थे और मैं वीडियोज़ ले रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था शाम का व्यू, और मैं थोड़ी देर वीडियो लेकर उसके बाद हम निकल पड़े घर की ओर। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और बच्चों की मस्ती और हमारा छोटा सा पिकनिक जुगाड़ू पिकनिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थड़ा बाय बाय, आप देखते रहिएगा मेरा और भी आने वाला वीडियोज़।